बहुत लोग कहेंगे सर नया नया मुल्ला अधिक प्याज खाता है, ऐसे कुछ पुरानिया कहीं तुमका जब तुम नए मास्टर हो गए। तो कहते हैं कि मास्टर साहब जिंदगी भर हम यह प्याज खाएं। आप बताइए आप आपके यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बोलते बोलते कलाम साहब मर गए, बोलत बोलत मंच में ठाड़ हो तो भगवान से मनाए कि मृत्यु तो सबई को होती, ऐसा मरे के मिले साक्षात मुक्ति है भैया। भाई उनको किस चीज़ की कमी थी, ना जाते पढ़ाने ना बोलते। तो मैं आपको कहता हूँ कि सारी जिंदगी जो आपके पास मिला है, जो गुरुओं से मिला है, जो ज्ञान मिला है, इसको इतना बांटिएगा। और ये इस खजाने की यही खास बात है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। खाना नहीं खाएंगे चलेगा, पर नहीं पढ़ाएंगे ये नहीं चलेगा। बोली हाँ है ना। यदि इतनी शक्ति और इतनी भक्ति और इतना प्रेम जिस दिन पैदा हो जाएगा भाई साहब, उस दिन बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं। जिस आदमी को संस्कृत भारी लगती है, जिस आदमी को संस्कृत पढ़ने में सिर चकराने लगता है, या जिस आदमी को संस्कृत पसंद नहीं है, जो मजबूरी में संस्कृत पढ़ रहा है, शाम के समय है कहा तो ना चाहिए, पर उनका रिजल्ट आउट है। उनका रिजल्ट जिससे आप प्यार ही नहीं करते हो गुरु जी, जो आपको पसंद ही नहीं है। मान लो कौनो लड़की या कौनो लड़का पसंद है, लोग के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो जब तक नहीं मिले। बोलो हाँ या ना। माने चाही फोन नंबर एक चाही ऐसे बात कर मेरे साथ जा, ऐसा प्यार यही मेल के प्यार गुरु जी जिस दिन संस्कृत के प्रति हो जाएगा ना। कि नहीं पढ़ा, इस लोग पढ़ते नहीं ना, बड़े गलत है। पुनः पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, चौबारा पढ़ा, जिस दिन इस प्रकार का प्यार हो जाएगा, तो उन लोगों को दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, बस प्यार की छोटी सी नजर चाहिए। यदि वो प्यार पैदा हो जाए, ये एकदम बड़ी सच्चाई की बात बताए। और कामन जीवन में देखिए, जिससे आप घृणा करेंगे, भाई साहब गलत कहें तो बताइएगा, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको आप पसंद नहीं करते, वो कभी उसको प्रकृति ये कायनात ये सृष्टि कभी आपसे नहीं मिलाएगी भाई साहब। वरना सोते जगते सपने देखिए, संस्कृत मान लो प्यार नहीं है ना, तो प्यार पैदा करें। ऐसा बोले जैसे कोई कहेगा कहाँ से संस्कृत जैसे प्यार पैदा करें, जैसे लड़की खातिर प्यार पैदा करते हैं या कौन लड़का खातिर प्यार पैदा हो, जैसे अपने हस्बैंड खातिर प्यार पैदा हो, जैसे अपने लड़का खातिर प्यार पैदा हो, कहा होगा तू शरबत वरबत घोल के कौन इंजेक्शन लगवाए कि नहीं, प्यार पैदा हो नहीं। मानना होता ना, मानना कहीं कौन अस्पताल में जाओ कहा भैया गोली दे दे, कहे कि कहीं प्यार पैदा नहीं हो रहा। आप बताइए क्या घृणा पैदा करने के लिए, प्यार पैदा करने के लिए कुछ आप सोच मेंटालिटी विचार, यही असली दवा है। क्या सोचते हैं उसके बारे में, संस्कृत के बारे में आप क्या सोचते हैं, श्लोक के बारे में आप क्या सोचते हैं, सूत्रों के बारे में आप क्या सोचते हैं। रोज आप सवेरे संध्या सोचो कारक बहुत कठिन है, कारक तो हमें समझे नहीं आए, कारक बहुत कठिन, उनका ब्रह्मा न पढ़ा पाए। काहे कि तू अपने से पहले से दिमाग बंद कर रहा है कि कारक के सूत्र बहुत कठिन है, हमने समझ में नहीं आए, बहुत कठिन है। अब समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं भैया, जहाँ कारक के सूत्र का घुसेरे का है जो मस्तिष्क माँ ओमर, तू पहले से दरवाजा ठोके है कि हमसे न बनी, तो कैसे ठेलाए अंदर, कैसे नहीं भैया। इसलिए हमेशा दिमाग खोले रही है और दिल खोले रही, हो सकता है हमारी खेल भाषा आपको अच्छी न लगती हो, पर सच्चाई यही है, हमेशा क्या खोले रहना चाहिए, दिल भी दिमाग भी। अब बाकी आप समझदार हो कि दिल में जगह थोड़े का है तो के का बैठा रहे हैं,